फर्नांडिस की बारी है। उनके समर्थक जो है वो बाहर रुक ही नहीं पा रहे। ये हुआ ना कलाइयों का इस्तेमाल, मजा आया देख के। विली टू गावस्कर और कदमों का इस्तेमाल, और इसी के साथ तालियां बजने लगी मैदान में, क्योंकि इन्होंने पूरा किया अपना शतक। पहले भी कहा था कहां रुक पाएंगे इनके समर्थक। अरे भैया आराम से, चोट ना लग जाए इनको। भैया मैच जिताना, इन्होंने जरा ध्यान से। ये इयान बॉथम आए तो वो भी चले एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। तभी तो इस बल्लेबाज को कहते थे सर्व गुण संपन्न। अच्छा जी, धीमी गति की गेंद तो ये लीजिए। नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो भी हो, पहले चेतन चौहान थे, अब दिलीप पेंसरकर, बस तालियां ही बजाते रह गए। बाएं हाथ के फिल एडमंड्स आए हैं अब तो। चलिए ये लीजिए ऑन ड्राइव। अच्छा बोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं, अपना खेलते जा रहे हैं। फिर किसी ने समझाया और बताया कि आपके 150 रन बोर्ड पे लग गए हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था मैच जीतना। ये चेहरे पे मुस्कान आई। 150 रन, माइक बेरली साहब के पैरों के तले जमीन हिलने लग गई थी। ये क्या फील्ड सजा दी गई है, देखिए 6 खिलाड़ी तैनात कर दिए आपने लेग साइड पे। तो लीजिए हल्के हाथों से खेलेंगे। ओह अरे 6 क्या, आप 9 खिलाड़ी लगा दीजिए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ना। मूड में ही ऐसे थे सुनील गावस्कर साहब। ये देखिए किस तरह से पांव चलते हैं क्रीज में। पहले पांव आगे आया और फिर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल। जैसे ही पढ़ लिया कि गेंद का टप्पा थोड़ा सा छोटा है। बढ़िया साझेदारी अब यहां दिलीप वेंसरकर के साथ। 500 रन पूरे इस श्रृंखला में इनके नाम। हल्के हाथ से खेला, रन पूरा किया और 200 का आंकड़ा। ये वो हैं जो अपनी काबिलियत में दम रखते हैं और टीम के हौसले बढ़ जाते हैं जब ये मैदान में कदम रखते हैं। बेहतरीन पारी, बेहतरीन पारी एक बेहतरीन बल्लेबाज से देखने को मिल रही है। सर ब्रिलियंट, समथिंग न्यू। वेल क्या बोल